गाइस, फाइनली एक बहुत बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी जो है वो रिलीज होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ESIC में UDC, MTS और स्टेनो की वैकेंसी आई हुई है, ऐसे ही जो है वो ESIC में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। पिछली वैकेंसी जो है वो आपकी 2018 में सितंबर में रिलीज हुई थी और फाइनल इसका रिक्रूटमेंट जो है वो 6 से 7 महीने में खत्म होते हुए अप्रैल 2019 में जो है वो लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई थी। तो इसका एग्जाम जो है वो आपका करवाता है IBPS। इसमें 3 तरह की पोस्टें होती है, एक तो आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, दूसरा मैनेजर ग्रेड 2 और तीसरा जो है वो आपका सुपरिटेंडेंट। सिंपल ग्रेजुएट जो है वो इसमें भर सकते हैं, लेकिन इसमें डेजिरेबल एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का मांगा होता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, तब भी आप लोग जो है वो इसमें भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लूँ तो 21 से 27 साल वाले जो है वो इसमें भर सकते हैं, यानी 27 जो है वो आपकी मैक्सिमम लिमिट है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल बैंक PO की तरह होता है, यानी SBI PO की तरह। प्री में जो है वो हमारे 3 पेपर होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, 1 घंटे का पेपर होता है। ऐसे ही जो है वो हमारा मेंस पेपर होता है, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग जो है वो 60-60 मार्क्स के होते हैं और इंग्लिश और आपका GS जो है वो 40-40 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद तीसरा पेपर होता है, एक तो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है और आपका फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बाद होता है। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है, तो मेरे ख्याल से इस पोस्ट को जो है वो बिल्कुल आप लोगों को भरना चाहिए और अगली इस पोस्ट के लिए जो है वो तैयारी आप लोगों के लिए सॉलिड करनी चाहिए।